धूल प्रदूषण की वजह से आपकी निखार चली गई है, ग्लो चली गई है, सन टैन हो रखी है, आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है बुरी तरीके से सन के रेत से, और आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्निंग की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे दाग धब्बे है, स्पॉट्स है। तो मैं सारे इस चीज का, मैं प्रॉब्लम का सलूशन दे दूंगी। वीडियो को एंड तक देखना, आपकी स्किन ट्रस्ट में विद इन वीक आपको रिजल्ट यू मिल जाएगा। आपकी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। एक बादाम यूज करूंगी, क्रश कर दूंगी आमंड। उसके बाद यूज़ करूँगी यहाँ बेसन 1 टीस्पून, एंड 1 टीस्पून यूज़ करूँगी चावल का आटा, एंड 1/2 टीस्पून वाइल्ड टर्मरिक यूज़ करना है, किचन वाला बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगी लेमन, आप अपने स्किन टाइप से देख लीजिएगा, कुछ और भी ऐड कर सकते हो, टोमेटो जूस या एलोवेरा। फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगी हनी। उसके बाद लास्टली मैं यहाँ पानी डाल करके अच्छे से इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा या मोटा नहीं होना चाहिए। को अपने फेस में सर्कुलर मोशन में कुछ देर तक मसाज करके सारे डेड स्किन की लेयर्स को हटा देना है। इसमें हमने चावल ऐड किया है जो आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन की सारे डेड स्किन लेयर्स को भी निकाल देगा। हनी आपके एक्निंग प्रॉन स्किन को भी ये कंट्रोल करेगा। और यहाँ मैं बेसन यूज़ की, उसमें ऑलरेडी आपकी स्किन के जो भी इन्फेक्शन वगैरह उससे फाइट करेगा। इसे मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डाला है, और लेमन आपकी स्किन को ऑलरेडी ब्राइट कर देगा। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। स्किन रेडिएंट हो जाएगी, आपकी स्किन फ्लॉलेस दिखेगी, आपकी स्किन पे ग्लो होगा, नेचुरल होगा, आपको कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। और आपकी स्किन पे ना, आपकी स्किन की टेक्सचर बहुत स्मूथ होने वाली है, आपकी स्किन एज अ बेबी की तरह सॉफ्ट हो जाएगी, सप्पल हो जाएगी। पर डे आपको एज ए फेस वॉश यूज़ करना है, और मास्क के तौर पे यूज़ करना चाहती हो तो वीक में एक बार लगा करके 20 मिनट छोड़ दे, आपको सारे इंग्रेडिएंट किचन में मिल जाएंगे, आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही।